गाइज मेनली लड़के तो लड़कियों को कम से कम 2 से 3 बार अगर कभी प्रपोज करते हैं, पर अगर लड़की चाहे तो आप पे केस भी कर सकती है। और आप कभी ना कभी अपने ऐसे देखते होंगे कि इंस्टाग्राम फेसबुक में फेक आईडी आपके नाम से बनी होती है, इसके खिलाफ भी केस है गाइज, और आपको 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ऐसी कुछ कमाल के लॉ हम आज जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो हर एक आदमी को पता होने चाहिए। गाइज ये वाला लॉ तो स्पेशली लड़कों के लिए ही है, मतलब लड़कियों को इसमें काफी एडवांटेज है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई लड़के आपको एक बार प्रपोज करता है, दूसरी बार अगर 3 से 4 बार ज्यादा आपको प्रपोज करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। गाइज ये लॉ बनाने की इंपॉर्टेंस इसलिए पड़ी है ताकि अगर किसी लड़के को लड़की ने प्रपोज कर दिया, अगर 2 से 3 बार वो लगातार ट्राई कर रहा है, तो इससे लड़की थोड़ा इरिटेट हो जाती है, तो वो एक इरिटेशन क्रिएट करता है जिसके तहत ये इस लॉ को बनाया गया। अब यहाँ पर लड़कों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे अगर कभी लड़की ने को आपने प्रपोज किया और उसने एक बार रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बार किया फिर रिजेक्ट कर दिया, तीसरी बार भी किया तो फिर भी रिजेक्ट कर दिया, तो अगली बार प्रपोज करते टाइम थोड़ा आपको सतर्कता बरतनी है, क्योंकि अगर लड़की चाहे तो आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकती है। तो गाइज अगर फिर लड़की चाहे तो आप पर सेक्शन 354D इंडियन पिनल कोड के तहत आप पे एक लीगल एक्शन ले सकती है, और फिर ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा कि आप उस लड़की को मैसेज में प्रपोज कर रहे हो कॉल पे, क्योंकि वो सारे डिटेल पुलिस वाले आखिरकार निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर लड़कों को मैं बता दूं, अगर आप इस लॉ का वॉयलेशन करते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। गाइज जो हमारा अगला लॉ है वो आपके लिए काफी बेनिफिट देने वाला है, ये यहाँ पर लड़कों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और लड़कियों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप कभी ना कभी ऐसा देखते होंगे कि आपके ही जैसा किसी ने एक फेक आईडी बनाई है जिससे वो किसी और को मैसेज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है आपकी फेक आईडी का यूज करके, तो यहाँ पर आप सेक्शन 66 आईटी एक्ट के तहत आप उस पर एक लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इस एक्ट के तहत अगर आपके परमिशन के बिना कोई भी आपके फेक आईडी बनाता है या आपका प्रोफाइल यूज करता है या किसी को भी मैसेज करता है, तो आप इसके तहत उन पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, और साथ ही साथ उसको 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर आपको अब परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मेरी फेक आईडी बना देगा, आप इस पर एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब गाइस जो ये वाला लॉ है ये हर पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए अगर उनके बच्चे 18 ईयर से कम है। गाइस अगर कोई भी बच्चा जिसकी एज 18 ईयर से कम है, अगर वो किसी भी टाइप का व्हीकल चलाता है जैसे कार बाइक स्कूटी चलाता है, तो वो अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो उस सिचुएशन में उसके पेरेंट्स को जेल जानी पड़ सकती है। तो अंडर सेक्शन 199A मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उसके पेरेंट्स को 3 साल तक की जेल और 25,000 तक का जुर्माना पड़ना पड़ सकता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिनकी एज 18 ईयर से कम है अगर वो किसी भी टाइप का व्हीकल ना ही चलाए तो ही बेहतर रहेगा, अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए ही तो ये रूल फॉलो कर लीजिए। गाइज अब जो अगला लॉ है वो आपकी सेफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप कभी ना कभी ऐसा देखते होंगे कि अगर कभी आपकी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो जाता है और फिर आपको कोई अगर धमकी देता है कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, तो आप उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब ऐसे केस कॉलेजेस में सबसे ज्यादा देखे गए हैं। अब जैसे आपको तो पता है कि जो भी कॉलेज में जाता है वो 18 ईयर से ऊपर ही होता है, तो कॉलेज स्टूडेंट का अक्सर किसी ना किसी से झगड़ा होता रहता है, और फिर अगर जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है अगर फिर आप उसे कभी कभी फोन पे कुछ गालियां या धमकी भी दे देते हैं, तो अगर वो चाहे तो आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन ले सकता है। तो अंडर सेक्शन 506 इंडियन पिनल कोड के तहत आप उसे 2 साल तक की जेल करा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, अगर कोई भी आपको किसी टाइप की धमकी दे रहा है तो उसके बारे में मतलब उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर लीजिए, अगर वो मैसेज से दे रहा है तो मैसेज के स्क्रीनशॉट या मैसेज सेव कर लीजिए, और जिसके बाद पुलिस द्वारा पूछे जाने पर आप वो सारे एविडेंस के तौर पर पेश कर सके। अगर किसी कारणवश आप फोन रिकॉर्डिंग नहीं भी कर पाते हो तो आप एक पुलिस FIR भी दर्ज करा सकते हो, जिसके बाद पुलिस अपने आप वो सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लेगी। गाइज अगला जो लॉ है तो ये तो मोस्टली लोग नहीं करते हैं, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे होते हैं वहां पर कोई चप्पल पहनकर नहीं जाता है, मतलब किसी भी टाइप के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। पर अगर फिर भी अगर कोई ऐसा करता है जैसे मंदिर में चप्पल पहन के जाना या कुछ ऐसी चीज करना जिससे हिंदू धर्म या किसी भी टाइप के धर्म को एक तरीके से ठेस पहुंचती हो, तो उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन हो सकता है। तो सेक्शन 153A इंडियन पिनल कोड के तहत आप पर एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो अगर किसी ने भी आपको चप्पल पहन के मंदिर में देख लिया या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए देख लिया तो आप पर एक लीगल एक्शन हो सकता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा।
गाइस, जो अगला जो लो है ये हमारी एक तरीके से जागरूकता के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कि हमें कभी ना कभी किसी रोड में कोई ना कोई फोन गिरा हुआ पड़ा मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो फोन आपको अपने पास नहीं रखना है, वो फोन आपको पुलिस स्टेशन में सबमिट करवाना है। अगर आपने वो फोन पुलिस स्टेशन में सबमिट नहीं किया और अपने पास रख लिया तो आपको इसका दंड भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर जिसका फोन खोया है अगर उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराई होगी तो आप पर एक लीगल एक्शन हो सकता है। इस सिचुएशन में आप में अंडर सेक्शन 379 इंडियन पिनल कोड के तहत आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, जिससे जो पुलिस होती है वो इजीली किसी भी फोन को ट्रैक कर लेती है। तो अगर वो फोन आपके पास मिलता है तो आप एक बड़ी सिचुएशन में फंस सकते हैं। अब गाइस, जो अगला लॉ है वो हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर किसी ना किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होंगे, पर अगर आप चाहें तो उनका किचन तो देख ही सकते हैं। अगर आपको उनका किचन हाइजीन नहीं लगता है, आपको बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक लगता है, तो आप उन पर एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा है तो आप उस किचन की सबसे पहले फोटो क्लिक कर लीजिए, जो फोटो क्लिक करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप अंडर सेक्शन 56 FSSAI एक्ट के तहत आप उन पर एक लीगल एक्शन ले सकते हैं, जिससे उनको 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये लॉ आपके हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप गाइस, आपने आज की इस वीडियो से काफी सारे लॉ के बारे में जाना होगा जो हम यूजुअली हमें नहीं पता होते हैं। तो अगर ये सारे लॉ हमें पता होंगे तो ये हमारी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।